स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए प्यारे से ब्लॉग के अंदर। तो भाई फिलहाल दोपहर के 1 बज रहे हैं और मौसम तो भाई थोड़ा बहुत ख़राब है, लेकिन भाई काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही है मेड़ता में तो, और हर जगह हो रही होगी आई थिंक, इतनी भयंकर गर्मी। तो फिलहाल मैं एकदम बढ़िया कपड़े वगैरह पहन के रेडी हो गया हूँ और अभी मुझे थोड़ी बहुत हंसी आ रही है क्योंकि भाई अभी हम निकल रहे हैं बाहर और भाई हम कहीं भी जाते हैं लगभग भाई वो सारा रेंडमली प्लान बनता है। हम आसपास कहीं घूमने जाते हैं जैसे कि भाई पुष्कर, वेदनाथ, अजमेर, वाटर पार्क वगैरह कहीं भी जाते हैं तो वो एकदम रेंडमली प्लान बना है। ये भी एकदम रेंडमली बना है। अभी हम जा रहे हैं खोड़ा गणेश जी, जो कि भाई अजमेर से आगे किशनगढ़ और किशनगढ़ के आसपास में है, जो कि भाई हम पहले भी गए थे एक बार, आज से 1.5 से 2 साल हो गए हैं। तो भाई फिलहाल एकदम बढ़िया कपड़े वगैरह पहन के रेडी हो गए हैं और हम कौन कौन जा रहे हैं वो तो आपको आगे चलकर ही बताते हैं। हम टोटल 7 जने जा रहे हैं, मेरी रियल सिस्टर, मेरे चाचा का लड़का, भाभी जी, भैया और मेरे 2 और कजन, हमारे सबसे छोटे वाले चाचा का लड़का और लड़की, और हाँ एक मेंबर और है हम सबकी प्यारी वंशु। और हाँ आज का मौसम जो कि कुछ ज्यादा ही प्यारा हो रहा था। जब भी मेड़ता से पुष्कर या अजमेर जाते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा व्यू तो यही लगता है, जो कि एक पहाड़ को काट के रोड बनाई गई है। कुछ नहीं ब्रो, बस खिड़की वाली सीट नहीं मिली आज। वंशु आज तो कुछ ज्यादा एंजॉय कर रही थी। हम दूर भागे तेरे बिना। अब मौसम तो कुछ ज्यादा ही खराब था, लेकिन थोड़ी देर बाद में देखते ही गाइस अच्छी अच्छा मैं आ गया था, मतलब भाई काफी तेज बारिश आने लग गई थी रास्ते में ही। बहकी सभी जुबां है हम है हजार, और पता नहीं क्यों ऐसे नजारे देखने के बाद मैं अंदर ही अंदर कुछ ज्यादा ही खुश होने लगता हूँ। हर चीज खास है अब है जो है वो समा है। तो पहुंच गए हैं हम फिलहाल खोड़ा गणेश जी। अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत। कोई भी भक्त अगर नारे लेके आता है तो उसको बाहर ही फोड़ना होता है और फिर अंदर जाके चढ़ा देते हैं। तब चाहे जिंदगी है। और आज तो कुछ ज्यादा आराम से दर्शन हो गए गणपति बापा के। अभी फिलहाल गणेश जी के दर्शन करके आ गए हैं और पूरा मंदिर खाली है भाई साहब। ये देखो पूरा का पूरा मंदिर खाली है, कोई नहीं है यहाँ पे, पूरा मंदिर खाली है, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर यहाँ छत पे, यहाँ पे ये देखो सीढ़ियाँ हैं तो छत पे चलते हैं। तो भाई ऊपर से काफी ज्यादा प्यारा व्यू आता है, ये देखो भाई साहब। अभी ही बारिश रुकी है, पहले तो भाई काफी तेज बारिश हो रही थी रास्ते में, भी काफी तेज बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुकी है और मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। थोड़ी फोटोबाजी हो गई है, चलते हैं अब निकलते हैं। है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा। तो अभी हम आ गए हैं नारेली, एक जैन स्थान है, एक जैन मंदिर है अजमेर के पास ही। बारिश भी हो रही है, मौसम काफी प्यारा है, एकदम ठंडा ठंडा। बारिश थोड़ी ज्यादा हो रही है तो इसलिए हम इस साइड से जा रहे हैं, मेन रास्ता तो ये है। नारेली जो कि भाई अजमेर के पास ही है, मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आया था। ये एक जैन मंदिर है और काफी अच्छी जगह है ये। अब मैं ठहरा इंट्रोवर्ट तो मुझे भीड़भाड़ वाली जगह वैसे भी कुछ खास नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शांति थी और मौसम भी प्यारा था तो ये जगह मेरे दिल के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी। इतनी ज्यादा प्यारी जगह है ना, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, काफी ज्यादा प्यारी जगह है यहाँ पे, इतनी तो शांति है ना यार, और मन तो कर रहा है यहाँ पे बैठ जाऊँ, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ज्यादा लोग भी नहीं है, ज्यादा भीड़ भी नहीं है और इतनी ज्यादा शांति है यहाँ पे। तो इतनी देर से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, बस अब बारिश रुकी है और ये देखो भाई चेक करो, काफी प्यारी जगह है यार, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाए। जगह भी काफी ज्यादा प्यारी थी और मौसम भी बढ़िया हो रहा था, लेकिन दिक्कत थी तो एक ही चीज की, जो कि भाई ये मेरा राइट वाला पैर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। खैर छोड़ो, ये जगह से ये नजारा देखने के बाद पता नहीं दर्द कहाँ ही चला जाता है। वैसे मन तो नहीं कर रहा था ये प्यारी जगह को बाय बाय बोलने का, इतने ज्यादा दिल के करीब आ गई थी ये। सुबह से कुछ ना खाने के कारण अपने बैटरी डिस्चार्ज करने के बाद हम आ गए थे अजमेर कुछ खाने के लिए, कुछ नहीं मतलब खाना ही खाने के लिए। सो
स्वागत करने से लेके टेबल तक बैठाने तक हमें पता चल गया था पक्का ये हमारा मोटा ताजा बिल बनाएंगे। खैर कोई बात नहीं, ट्रेन में बैठ के खाना खाने की फील तो लेंगे। क्या करें, इतनी बड़ी कांच की गिलास में पानी पीने की आदत नहीं है ना, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन इसको पीने के बाद मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, एक गिलास और। एक गिलास का तो पता नहीं, हमारे ऑर्डर के मुताबिक हमारा चिली पनीर आ गया था, जो कि रियल में कुछ ज्यादा ही टेस्टी हो रहा था। ये नेपाली भैया वेटर भैया हमारा खाना लेके आ गए थे, और ये वंशु जो कि आराम से रेस्ट कर रही थी। क्या मतलब, ऐसे हाथों में अमीरों वाली फीलिंग आती है। अच्छी खासी हमारे बड़े भैया की जेब ढीली करवाने के बाद हम अजमेर से निकल गए थे। तो भाई अभी फिलहाल हम आ गए हैं सेवन वंडर्स, ये रहा भाई सात अजूबे, दुनिया के सात अजूबे। एंट्री गेट पर इतनी भीड़ को देखते हैं मेरा मन तो पहले से ही खराब हो गया था। तो भाई अभी टिकट लेके अंदर आ गए हैं, और इतनी भयंकर भीड़ है ना यहाँ अंदर, तो भाई साहब ये देखो काफी भयंकर वाली भीड़ है। जगह ठीक ठाक है, कुछ खास भी नहीं कह सकते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो भाई मुझे तो कुछ खास जगह नहीं लगी है। सस्ती भाषा में इस जगह को सात अजूबों की फर्स्ट कॉपी भी बोल सकते हैं। पुष्कर घाटी से अजमेर का नाइट व्यू देखने के बाद हम निकल गए थे मेड़ता की ओर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और ऐसे मजेदार ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। बाय।